नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट को लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है, जिसके बाद वो प्रथम बार सितारगंज कृषि मंडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी दौरान नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा व शक्ति फार्म के कार्तिक राय को कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। इसी दौरान सांसद ने कहा कि क्षेत्र की जनता भगवान तुल्य है, अगर आज मुझे 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में मेरा स्थान रखा गया है तो इसका श्रेय मेरी अपनी जनता को जाता है। और उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर कहा कि अल्पसंख्यकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ सांसदों की श्रेणी में मुझे भी रखा है सर्वे में, और मुझे एक सम्मान मिला है, ये सम्मान मेरे नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता ने दिलवाया है, जो उन्होंने मुझे लोकसभा में भेजा, और मेरे उत्तराखंड के लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ है, ये सब इनकी वजह से मिला है। इसलिए मैं सब यहाँ की जनता को और यहाँ के लोगों को ये सम्मान समर्पित करता हूँ, असली हकदार वो है। मैं आज यहाँ आया हूँ और इस सम्मान के कारण ही लोगों ने मेरा आज यहाँ पर गर्म जोशी से जो स्वागत किया है, मैं अभिभूत हूँ। और मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र की नाक कभी नीची नहीं होने दूंगा और क्षेत्र की समस्याओं के लिए लगातार संघर्षरत रहूंगा, चाहे मुझे कहीं भी कुछ करना पड़े। समस्याओं के समाधान के लिए अपने विधायकों के साथ, अपने संगठन के साथ रात दिन कार्य पर लगा रहूंगा। संशोधन बिल पे आपने कुछ बात कही थी कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं भारत के अंदर वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष के लोग जो नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है उस पर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मैसेज दे रहे हैं जैसे कि मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गलत व्यवहार कर रही है, उनको सदस्यता नहीं दे रही। उनको ये समझना चाहिए, वो समझते भी हैं, कि ये बिल भारत के मेरे अल्पसंख्यक भाई यानी कि मुसलमानों पर लागू नहीं होता भाई। ये तो सिर्फ जो जिनको मारकाट करके भगा दिया गया था पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, उनको नागरिकता देने का है। यहाँ वालों को चिंतित होने की आवश्यकता है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब कहते मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे, भाई अफगानिस्तान का कौन मुसलमान यहाँ आ रहा है, पाकिस्तान का क्यों आएगा वहाँ, वो बहुसंख्यक है, उसने तो इनको भगाया था, और बांग्लादेश का भाई क्यों आएगा वहाँ। अब यहाँ के लोगों को भी ये गलतफहमी में डालना चाहते हैं कि आपकी भी खतरे में है, कार्ड बना लो, ये करा लो। कोई डरने की बात नहीं, भारत के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, कहीं से कहीं।